यह है गढ़वा जिला, जो भारत के झारखंड राज्य का एक खूबसूरत जिला है। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता व नदियों और झरनों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गढ़वा जिला झारखंड राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कन्हर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गढ़वा जिला पहले पलामू जिले का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद 1 अप्रैल 1991 को इसे एक नए जिले का दर्जा दे दिया गया और यह जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय गढ़वा शहर है। गढ़वा जिले के पूर्व में पलामू और लातेहार जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर में बिहार राज्य और दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। गढ़वा जिले के उत्तर में कन्हर नदी बहती है, जो इसे छत्तीसगढ़ राज्य से अलग करती है। 4,044 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले गढ़वा जिले की आबादी सन 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 13 लाख से ऊपर की है, जिसमें शामिल पुरुषों की आबादी 6,83,000 तथा महिलाओं की आबादी 6,39,000 है। वही गढ़वा जिले का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 935 महिलाएं हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से गढ़वा जिले में 83.50% हिंदू, 14.72% मुसलमान, 1.30% ईसाई और 0.35% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शिक्षा के मामले में गढ़वा जिले की कुल लिटरेसी रेट 60.33% है। गढ़वा जिला खनिज उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि व खनिज उद्योगों पर निर्भर है। जिले के अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल वह धान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से गढ़वा जिला 3 अनुमंडल में शामिल है, गढ़वा नगर, उंटारी और रंका है। इसके अलावा जिले में 20 ब्लॉक, 156 ग्राम पंचायतें और कुल गांव की संख्या 916 है। आवागमन के दृष्टिकोण से गढ़वा जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, गढ़वा रेलवे स्टेशन गढ़वा जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका स्टेशन कोड GHQ है। स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म और 5 ट्रैक मौजूद हैं। यह रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के द्वारा राज्य विदेश के बड़े बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग, गढ़वा जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 39 गुजरती है, जो आगे चलकर रीवा और रांची जैसे शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा शहर में बस सेवाएं भी मौजूद हैं, जिनकी सहायता से देश व राज्य के छोटे बड़े शहरों को जाया जा सकता है। हवाई मार्ग, वैसे तो गढ़वा जिले में कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, परंतु जिले का सबसे करीबी एयरपोर्ट वह रांची शहर में मौजूद है, जिसकी दूरी गढ़वा शहर से 211 किलोमीटर की है। गढ़वा जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहाँ पर पर्यटक देश व राज्य भर से घूमने के लिए आते रहते हैं। गढ़वा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल अनराज बांध, सुखालदारी जलप्रपात, शिव मंदिर राजा पहाड़ी, बंशीधर मंदिर, भीम बैराज जैसे अन्य कई खूबसूरत पर्यटन स्थल गढ़वा जिले में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।